इंसान खाने के बगैर तो जिंदा रह सकता है, पर पानी के बगैर जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। और जिस तरह वाटर लेवल कम होता जा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब इंसान पानी के लिए तरस जाएगा। ऐसे में क्लाउड सीडिंग एक सॉल्यूशन हो सकता है, जिसमें बादलों में छोटे बर्फ जैसे पार्टिकल जोड़े जाते हैं। क्लाउड सीडिंग को 1946 में विंसेंट शेफर ने डेवलप किया था। इस टेक्निक का यूज क्लाउड्स में कंडेंसेशन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल सर्दियों में होने वाले माउंटेन स्नोपैक को बढ़ाने के लिए एक टेक्निक की तरह किया जाता है, जो आसपास के इलाकों के लोगों के लिए नेचुरल वाटर सप्लाई की डिमांड को पूरा कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के बर्फीले पहाड़ों में एक स्टडी पर क्लाउड सेंडिंग प्रोजेक्ट के रिजल्ट में पाया गया है कि क्लाउड सेंडिंग का इस्तेमाल करने के बाद स्नोफॉल में 14% का इंक्रीजमेंट हो गया।